गंगापुर सिटी जिला अस्पताल में एक बार फिर से प्रसूति महिला की मौत का मामला सामने आया है। महज 10 दिनों के अंदर ही दो प्रसूतियों और की मौत के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने महिला चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी पर पैसे मांगने एवं लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों के मुताबिक बीती रात महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले दिन सुबह महिला को प्रसव पीड़ा हुई। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। प्रसूति माया रैगर की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने महिला चिकित्सक से संभालने की बात कही। अस्पताल प्रशासन ने महिला को जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन दूसरे अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर मामला शांत कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गंगापुर सिटी से सलीम खान की रिपोर्ट। माया रेगर नाम की लेडी थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी, जिसको रात को 2:30 बजे करीब में सामान चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया था, जिसके डिलीवरी भी होगी थी 6:30 बजे करीब। एक बच्चे को भी उसने जन्म दिया। उसके पश्चात जो माया है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उसको रेफ़र कर दिया, जिसके बाद उसको रिया हॉस्पिटल में ले गए। रिया हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ब्लड की और पूरी कमी है, तो इसलिए उसको आगे हायर सेकेंडरी रेफ़र करा इन्होंने, परंतु वो ख़त्म हो गई, जिसको ला करके नियम मोर्चे रूप में रखा दिया। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इनका आरोप है कि साहब डॉक्टर ने लापरवाही करी, इसके संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र किया, उसकी जाँच कराई जा रही है। वही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री बलराम यादव, पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने MLC पद के लिए नामांकन दाखिल किया है।